हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी PLSQL ट्यूटोरियल की नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। सो आज का जो हमारा लर्निंग गोल होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज डेटा टाइप इन PLSQL और टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन PLSQL। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स आखिर होते क्या है। तो डेटा टाइप्स के सिंपल डेफिनेशन क्या होती है। डेटा टाइप इज डिफाइंड इन द PLSQL प्रोग्राम और इन द ब्लॉक दैट विच टाइप ऑफ डेटा हैव स्टोर टू द वेरिएबल। ठीक है, तो डेटा टाइप हमारे बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल में आप किस तरीके की वैल्यू को आप स्टोर करना चाहते हो। एवरी डेटा टाइप इज डिवाइड विद थ्री रूल। ठीक है, हर डेटा टाइप तीन रूल के साथ डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्मेट, कॉन्स्टेंट और रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। स्पेसिफिक फॉर्मेट मतलब कि अगर आपने जिस भी तरीके का आपने अपने वेरिएबल को डिफाइन किया है उसका डेटा टाइप, उसी फॉर्मेट में आप वैल्यू को स्टोर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक है, प्रोग्राम में आपको कोई भी इशू नहीं आता है। ठीक है, जैसा कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं v_check_number। ठीक है, देन कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल रूल्स। ठीक है, हमने वी चेक पे हमने एक रूल अप्लाई कर दिया है कि हम नंबर टाइप का ही डेटा स्टोर करेंगे इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, देन रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए हमें सेकंड एग्जांपल, हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि एक हमने वी चेक, एक और हमने वेरिएबल लिया है। ठीक है, दूसरा, और इसको हमने डिफाइन किया कैर और इसके हमने साइज दे दिया 1। अब क्या, जब हमने इसको साइज दे दिया कि हम एक ही करेक्टर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और रेंज ऑफ वैल्यूज में आपको इस तरीके का आपको एरर शो होगा कि प्रोग्राम रिटर्न एन एरर दैट करेक्टर स्ट्रिंग वैल्यू टू स्मॉल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आपको रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, बेसिकली चार तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। कंपोजिट डेटा टाइप, लॉब डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप्स, स्केलर डेटा टाइप्स। ठीक है, इसके अपने भी टाइप्स होते हैं। जैसे कंपोजिट डेटा टाइप में आपका क्या आता है, रिकॉर्ड और एरे। लॉब डेटा टाइप में आपका क्या आता है, बी लॉब, सी लॉब। रेफरेंस डेटा टाइप में क्या आता है, कर्सर, रेफ कर्सर। और स्केलर डेटा टाइप्स में क्या आता है, नंबर, करेक्टर और बुलेन और डेट। ठीक है, सो ये होते हैं आपके डेटा टाइप्स। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल किए हैं प्रीवियस वीडियो में और आज की वीडियो में, हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा स्केलर डेटा टाइप का। सो ये डेप्थ में इसको हम समझते हैं, स्केलर डेटा टाइप क्या होता है। स्केलर डेटा टाइप क्या होता है, नंबर डेटा टाइप, करेक्टर डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप और डेट डेटा टाइप। ठीक है, तो नंबर भी क्या होता है, डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के। तो नंबर के डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या हो सकते हैं, नंबर, फ्लोट, इंट, PLS_integer। ठीक है, सबके अपनी अपनी फंक्शनैलिटी और हर एक डेटा टाइप को आप एक पर्पस से आप यूज़ करते हो। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे हर एक एग्जांपल के अंदर। जब भी हम कोई एग्जांपल यूज़ करेंगे तो डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो उस डेटा टाइप को हम डिटेल में समझेंगे, हमने ये डेटा टाइप क्यों लिया है। ठीक है, देन इसी तरीके से करेक्टर डेटा टाइप होता है जिसको आप, अब इसके अंदर के किस किस तरीके के डेटा टाइप होता है, कैर होता है आपका, वेर कैर होता है, वेर के टू होता है, etc। ठीक है, बुलियन में आपका सिंगल एक ही डेटा टाइप होता है बुलियन, जिसको अंदर आप किस तरीके की वैल्यू स्टोर करते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, देन डेट होता है जिसके अंदर आप डेट फॉर्मेटेड वैल्यू आप स्टोर करते हो विद टाइम। ठीक है, उसके लिए टाइम स्टैम्प होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केलर डेटा टाइप। अब हम इसको सिस्टम पे डेवलप करते हैं, SQL डेवलपर पे यूज़ करते हैं इसका, और इसको देखते हैं कि क्या इसके ड्रॉबैक्स होते हैं, कब आप अगर कुछ अलग वैल्यू स्टोर करते हो वेरिएबल में तो क्या आपको इशू आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने एक एनोनिमस ब्लॉक ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अगर आप एनोनिमस ब्लॉक के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, देन एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, तो अगर आप वेरिएबल की भी वीडियो देखना चाहते हैं उसको भी हमने डेप्थ में आपको समझाया हुआ है कि वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से आप क्रिएट करते हो, उसके सारे रूल्स, रेगुलेशन सारे हमने डिटेल में कवर किया हुआ है उस वीडियो के अंदर।
उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हो और आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा समझ लेते हैं। हमने यूज किया डिक्लेयर कीवर्ड, देन हमने वेरिएबल डिफाइन किया वी अंडरस्कोर चेक, यह हमारा एक वेरिएबल का नाम है। देन हमने एक स्केलर डेटा टाइप दिया है नंबर, ठीक है, देन सेमीकोलन। तो सेमीकोलन आपको हमेशा देना हर एक स्टेटमेंट के बाद। ये सारी स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स के साथ आपको सेमीकोलन नहीं देना, स्टेटमेंट के साथ आपको सेमीकोलन देना। अब मैंने क्या किया, वी अंडरस्कोर चेक के अंदर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए एक वैल्यू स्टोर करी 1, ठीक है, और हमने DBMS अंडरस्कोर आउटपुट, ठीक है, डॉट पुट लाइन मेथड का यूज करते हुए हमने इस वेरिएबल को कराया है प्रिंट, देन सेमी कॉलन। अब हम इस NMS ब्लॉक को रन करेंगे। आपको इस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है और आपको इस बटन पे आपको क्लिक करना है। आप जब भी इस पे ओवर करते हो तो आपको आएगा लिखा हुआ रन स्टेटमेंट, और कंट्रोल एंटर भी आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे आपको वैल्यू प्रिंट हो गई 1। अब ये तो हो गया कि आपने नंबर टाइप करा तो नंबर स्टोर करा है, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्मेट हो गया नंबर। अगर कॉन्स्टेंट आपका कब अप्लाई होता है इस पे, अगर आप इसके अंदर कुछ ABC कुछ स्ट्रिंग स्टोर करते, ठीक है, अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ABC आइडेंटिफायर, क्यों, क्योंकि अभी ABC क्या है, एज ए वेरिएबल परफॉर्म कर रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंगल कोड में हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं, कंट्रोल ए एंटर। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, PL सिंपल न्यूमेरिक और वैल्यू एरर, ठीक है, कैरेक्टर टू नंबर कन्वर्जन, मतलब कैरेक्टर टू नंबर हो रहा है, उसका हमारा एरर आ रहा है कि आप कैरेक्टर भेज रहे हो नंबर के साथ, ठीक है, तो उसका इशू आ रहा है। तो ये आ गया आपका रूल कि अगर आपने नंबर डिफाइन किया है तो आपको नंबर ही वैल्यू भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यूज कर लेते हैं कैर, अगर अब हम इस स्टेटमेंट को रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट कुछ नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने कैर जो हमारा वी चेक था उसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं किया है। और आप देखोगे मैंने यहाँ पे कैर के साथ कोई भी लेंथ डिफाइन नहीं किया। क्यों नहीं डिफाइन किया, क्योंकि जब भी आप कैर डेटा टाइप का यूज करते हो तो डिफॉल्ट 1 वैल्यू उसकी सेट होती है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी बैकएंड में सेट है तो होती है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने साइज नहीं दिया। बट अगर मेरे को अब मैं इसके अंदर वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि हमें पता भी चल सके, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वी और उसको हमने प्रिंट किया है तो आ गया बी। अब अगर मैं एक से ज़्यादा वैल्यू इसके अंदर यूज करता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग का साइज इंक्रीज हुआ, अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एरर ओरा पील सिक्वल न्यूमेरिक और वैल्यू एरर करेक्टर स्ट्रिंग बफर टू स्मॉल, ठीक है, क्यों आया, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट जो करेक्टर का बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो 1 होता है। तो अब इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको डेटा टाइप की जो लेंथ होगी बाय डिफॉल्ट लेंथ कितनी होती है 1, अब आपको यहाँ पे लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी जितनी भी वैल्यू आपको इस करेक्टर के अंदर स्टोर करवानी, करेक्टर स्टोर करवानी। अब मैं इसको करूँगा तो ये परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करें और अपना फीडबैक शेयर करें हमारे साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।